चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। ट्यूजडे झरोखा में आपके पास आए हैं, एक दो नहीं पूरी खबरें लेकर दस। आज नहीं करेंगे बस, पर उन खबरों से पहले एक बात आपसे करना चाहेंगे, एक चेतावनी के रूप में, एक वार्निंग के रूप में कुछ कहना चाहेंगे आपसे। आजकल सोशल मीडिया पर ना, विशेषकर व्हाट्सएप ग्रुपों में हमने अपनी लड़कियों की फोटो भेजना शुरू कर दी है, उनका बायोडाटा कॉन्टेक्ट नंबर तक आ रहे हैं। क्या संकेत देगा हमें आने वाले समय में? कहीं ना कहीं कहीं खतरे की घंटी बजा रहा है। सही लड़कियों के बायोडाटा और कॉन्टेक्ट नंबर्स गलत लोगों तक पहुंच सकते हैं, और गलत लड़कियों के रूप में हमारे तक कहीं ऐसी बातें हम लोगों तक पहुंच सकती हैं। दो तरफा हमला हो सकता है हमारे ऊपर। चेतावनी है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है, और जो ना समझे आप भली भांति जानते हैं। बगैर जान पहचान के पक्के करे किसी को ऐसी फोटो, विशेषकर ग्रुपों के अंदर, तो कभी मत भेजें हम लोग, क्योंकि एक जरा सी असावधानी हमेशा के लिए जिंदगी भर की परेशानी बन सकती है। और आज शुरू करते हैं आज का हम खबरों का आईना, एक दो नहीं पूरी दस। और शुरुआत तो हम करते हैं, दो तीन एपिसोड पहले हमने बताया था कि क्या हम आने वाले समय में स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती अपने तीर्थों की मना पाएंगे, नहीं मना पाएंगे, उसी सवाल को आज फिर जारी करते हैं। अब तक हमने तो हजार साल, सौ साल, डेढ़ सौ साल, पांच साल के खूब वर्षगांठें बना ली हैं। आज एक चित्र दिखाएंगे आपको, 700 साल पुराना मंदिर है हमारा। अब जैन यहां नहीं है, अब अभिषेक करने वाला भी अजैन है। यहां पर इतना खूबसूरत मंदिर है, यहां की वास्तुकला देखकर ही हमारी बांचें खिल जाती हैं। पर अफसोस ये है कि अब यह मंदिर हमारे हाथ में नहीं, जैसे अजैन लोग आ रहे हैं, एक अपील आ रही है, मंदिर का शरण हो रहा है और जैन कोई अभिषेक करने वाला नहीं मिल रहा है। शुरुआत इसके साथ आज की रिपोर्ट 10 खबरों की। पहली खबर, अजैन करते हैं जैन मंदिरों में पूजा, क्या रहेंगे हमारे मंदिर सुरक्षित? यह है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के चांदगढ़ गांव का भौगोलिक गांव। इसी कोल्हापुर में एक प्रमुख जैन मंदिर को बदल दिया जा चुका है, यह किसी से छिपा भी नहीं है। पर यह मंदिर बचे हैं दो, ये दो बसदी हैं। बसदी यानी प्राचीन मंदिर, जो 10-50 साल से नहीं है, 700 साल पुरानी हैं, और इनकी बदतर हालत यहां आप देख रहे हैं। 700 वर्ष पहले यहां पर जैन बहुलता में थे, बहुत बड़ी संख्या में थे, 650-660 साल तक रहे, फिर मंदिर तो यहीं रह गए, जैन चलते चले। और अब तो 2-4 बरस से यहां आसपास भी कोई जैन परिवार नहीं है। बहुत सुंदर अनमोल विरासत है यहां के, खंभे दीवारें सब कुछ मंत्रमुग्ध करने वाली हैं, पर इन मंदिरों का शरण होने लगा, प्रक्षाल पूजा अभिषेक भी नहीं कर रहा कोई जैन, और आज कुछ अजैन यहां पूजा अभिषेक करते हैं, और आने वाले वर्षों में यह मंदिर भी या जैनों से निकल जाएगा, बदल दिया जाएगा, तो उसके बाद हमारा चीखना, चिल्लाना, रोटना, पीटना शुरू हो जाएगा। अगर उससे ही पहले जाग जाएं तो, और संकल्प कीजिए, एक नया मंदिर जब भी बनाएंगे तब एक इसी तरह प्राचीन मंदिर को भी गोद लेंगे। कर पाएंगे ना ये, या इस कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। अगली खबर, 70-80 वर्ष की आयु के संतों का कड़कती ठंड में 2000 किलोमीटर का विहार। सर्दी ने अंगड़ाई ले ली है, सुबह की बर्फीली हवाएं खून को जमा कर देने में सामर्थ्य रखती हैं। ज्यादातर सुबह बिस्तर की गर्मी में बिताते हैं, और कुछ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग गर्म कपड़ों में पैक होकर बाहर निकल पाते हैं। अब यह दृश्य देख रहे हैं आप शिमला के, जब बर्फ गिर रही थी और दिगंबर संत खुले में तप ध्यान में मग्न थे। ऐसी ही मूर्त को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं लोग, और ऐसे सड़कों पर जंगल के शेर की तरह चलते हैं दिगंबर संत। यही तो कहलाते हैं दिगंबर जैन संत की विहार की चर्या। तन पर कपड़े का लफड़ा नहीं, पर ठंड ने भी जकड़ा नहीं। बढ़ते हैं, चलते हैं, हवा के थपेड़ों से कभी ना डरते हैं। और इसी तरह आजकल जगह जगह दिगंबर संतों का विहार चल रहा है। ये दृश्य आप देख रहे हैं कर्नाटक से शिखर जी तक 2000 किलोमीटर लंबे विहार के, जबीरा से ये दृश्य लिया है, जहां आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के साथ 14 संघर्ष संत इसी तरह बढ़ते जा रहे थे। बुंदेलखंड के तीर्थों के दर्शन करने के लिए कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास जाएंगे, फिर नेबावर में उनके छोटे बाबा से भी मिलने जाएंगे। अधिकांश संत जो हैं 70 प्लस के हैं, और लगभग एक तो 80 वर्ष के आसपास। रास्ते में ही ऐसे बैठ जाना, ध्यान लगाना, पर ठंड से कभी नहीं कपकपाना।
दिगंबर संत की इसी चर्या पर नमन करता है पूरा जमाना। गर्व करिए जैन कुल पर, अपने गुरुओं पर, पूरी दुनिया में तभी तो होते हैं इनके खास चर्चे। अगली खबर, आलू का करते व्यापार, नहीं जानते मंदिर के द्वार, एक प्रवचन ने झकझोरा, खुल गए दीक्षा के द्वार। भिंड में आलू के जाने माने व्यापारी रहे हैं 72 वर्षीय पदमचंद जैन। व्यापार से इतना लगाव कि ना मंदिर गए, ना घर में ही पूजा करने के लिए समय निकाल पाते। पत्नी से बहस हो जाती पर इनके कान पर जू नहीं रखती। अचानक 2018 के चतुर्मास के दौरान आचार्य श्री विनम्र सागर जी के पास पहुंच गए। उन्होंने पदमचंद जैन की पूरी स्थिति जानी और कहा कि जैन धर्म में जमीकंद खाना तक मना है और तुम उसी के आलू का व्यापार करते हो, ऐसे पाप से कैसे दूर होगे? 2 मिनट का प्रवचन उन्हें झकझोर कर गया। बस तभी से ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, जमीन पर सोना शुरू कर दिया, साथ ही एसी, कूलर, पंखे, हीटर, मोबाइल फोन सब कुछ का जीवन से त्याग कर दिया। वैराग्य की भावना ने जोर मारा और अब जब चारों बेटे मना करते रहे तब भी उन्होंने उनको झुकाते मनाते आगामी गुरुवार 24 दिसंबर को गणाचार्य श्री विराग सागर जी से मुनि दीक्षा लेने के लिए संकल्पित हो गए हैं। देखा किस पल आ जाए सद्विचार और हो जाए बेड़ा पार। अगली चौथी खबर, कई और दीक्षाओं की जानकारी भी। अनोखा नगर, अनोखे जैन, नगर में ही हैं केवल 2 जैन परिवार और दोनों से दीक्षाएं बार बार। गुजरात के थरात तहसील के नारावली नगर में 2 ही जैन परिवार रहते हैं, वोहरा परिवार और कोरडिया परिवार। इन दोनों परिवारों से 5 दीक्षाएं अब तक हो चुकी हैं। अभी हाल में इन्हीं परिवारों के कोरडिये डायवाल रामचंद जी की पोत्री और पड़पोत्र मुमुक्षु विश्व अश्विन भाई और मुमुक्षु स्तुति हसमुख भाई पाटन नगर के पांचासारा जैन मंदिर के पास त्रिस्तुतिक उपाश्रय में विराजमान मुनिराज श्री चारित्र रत्न विजय जी महाराज आदि श्रमणी भगवंत ठाणा 29 के दर्शनार्थ पहुंचे। बस वहां दर्शन से ही दीक्षा के भाव बन गए। अब आगामी श्री महावीर स्वामी जन कल्याणक पर यानी 25 अप्रैल 2021 को पेपरोल तीर्थ में गच्छाधिपति श्रीमद विजय नित्यसेन सूरीश्वरी महाराज जी एवं आचार्य भगवंत श्रीमद विजय जयरत्न सूरीश्वर महाराज जी की पावन निश्रा में आयोजित आत्मोद्धार यानी सामूहिक दीक्षा महोत्सव के में दोनों की जैनेश्वरी दीक्षा दी जाएगी। और ऐसे ही एक खुशहाली की खबर आ रही है, हमारे लिए खुशखबरी विजयनगर से आ रही है, जहां अहिंसा प्रचारिका गुरुवर्या डॉक्टर ज्ञानलता जी महासाब ने मुमुक्षु बहन ज्योत्सना जी दीक्षा के लिए विजयनगर संघ व बावना जैन तीर्थ की विनती स्वीकार कर ली है और अब इन्हें दीक्षा विजयनगर में 16 फरवरी को दी जाएगी। अगली खबर, दुख की खबर छठी है, सिद्ध क्षेत्र आहार जी में मुख्यमंत्री में चोरी हो गई आज। ये आप दृश्य देख रहे हैं, FIR जो दर्ज हुई आज सुबह 14-15 दिसंबर की यानी अमावस की रात में सिद्ध क्षेत्र आहार जी के मुख्य दिगंबर जैन मंदिर श्री शांतिनाथ जी दिगंबर जैन मंदिर में 3 मूर्तियां व 5 मेरु को अज्ञात चोर ले गए आज रात। मंदिर के राकेश माली ने जब सुबह आज 15 दिसंबर को सुबह 6 बजे जब मंदिर का द्वार खोला ना, तब वेदी पर ना मूर्तियां दिखी ना पंच मेरु दिखाई दिया उन्हें। वेदियों के ताले टूटे हुए थे, आगन का जाल निकला हुआ था और पास ही प्लास और कटर रखे गए थे। अभी तक पुलिस जानकारी ले रही है, चोरों का अता पता नहीं है। आज है 15 दिसंबर मंगसिर शुक्ल एकम, 9वें तीर्थंकर श्री पुष्पदान जी का जन्म व तप कल्याणक। काकंदी नगर के महाराजा सुग्रीव की महारानी जयरामा देवी के गर्भ से मंगसरी शुक्ल एकम यानी आज को 9वें तीर्थंकर श्री पुष्पदन जी का जन्म हुआ था। तीर्थंकर श्री चंद्रबोध जी के मोक्ष जाने के 90 करोड़ सागर के बाद आपका जन्म हुआ। आपका कद 125 धनुष ऊंचा और आयु 2 लाख वर्ष पूर्व की थी। उल्कापात को देखकर आपको वैराग्य हो गया और मंगसिर शुक्ल एकम को ही 1000 राजाओं के साथ पुष्प वन में अपराह्न काल में नाग वृक्ष के नीचे दीक्षा ले ली। पंचमुष्टि केश नोच करके आपने 4 वर्ष तप किया। बोलिए श्री तीर्थंकर श्री पुष्पदन जी भगवान ने की जय। 8वीं खबर, चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी का 51वां संयम वर्ष। काम में सदा अग्रणी और चेहरे पर सदा खिलखिलाती मुस्कान, यही है चारुकीर्ति भट्टाकर स्वामी जी की
पहचान। 51 साल पहले जब इनकी उम्र 21 की थी, तब श्रवण बेलगोल के मठ के पास बैंक बैलेंस 1000 रुपये ही था। तब गुरु आज्ञा से मठ के उत्तराधिकारी चुने गए और आज मठ के पास 20 से अधिक शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल व सामाजिक संस्थाएं हैं। 40 मंदिरों का संचालन कर रहे हैं। आपके 10 शिष्य भट्टारक बनकर अलग अलग मठों का संचालन कर रहे हैं। भगवान बाहुली के हर 12 वर्ष में होने वाले महामस्तकाभिषेकों का आपने 4 बार सफल आयोजन किया है। 3 मई 1949 को कर्नाटक के 12 गांव में जन्मे तथा 12 दिसंबर 1969 को संयम पथ पर बढ़ते हुए श्री महावीर जनकल्याणक 19 अप्रैल 1970 को आपने बागडोर संभाली। चारू कीर्ति स्वामी जी का सपना है प्राकृत विश्वविद्यालय बनाने का। 9वीं खबर, 91 वर्षीय आरिका रजतमती माता जी का देवलोक गमन। गणनी आरिका श्री सुपाशमती माता जी की शिष्या, आरिका श्री गरिमामती माता जी की शिष्या, यम संलेखनाधारी आरिका श्री राज रजतमती माता जी का देवलोक गमन 91 वर्ष की आयु में 12 दिसंबर को 8:48 पर बरपेटा रोड पर हो गया है। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और 10वीं खबर, यूपी की तर्ज पर कर्नाटक में भी अब गोगत्या निषेध कानून बन गया। उत्तर प्रदेश की तरह कर्नाटक विधानसभा में भी गत 9 दिसंबर को दुधारू पशुओं की रक्षा के लिए गो हत्या निषेध कानून और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 पास कर दिया गया। अब कर्नाटक राज्य में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ उनकी तस्करी, अवैध परिवहन, अत्याचार पर भी कड़ी सजा मिल सकेगी। है ना ये अच्छी खबर। आपको बता दें ठंड बढ़ने लगी है, अब ठिठुरने लगे हैं। दक्षिण और पश्चिम से आने वाले लोगों के लिए सावधानी कर रहे हैं इस शिखर जी के बारे में जो हम बता रहे हैं आपको। शिखर जी में अब तापमान गिरने लगा है, तलहटी पे नहीं पहाड़ों पर तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होने लगी है। तो जो आप दक्षिण से आते हैं पश्चिम से आते हैं तो आपको ठंड का एहसास नहीं है, पर यहां पर आकर लास्ट ईयर यहां पर काफी ज्यादा दर्दनाक मृत्यु हुई लोगों की। कहते तो हैं तीर्थ पर अगर हमारी अंतिम समय आ जाए तो कहते हैं पर लोग सुधर जाता है, पर तब भी असमय मृत्यु अच्छी नहीं होती है। सावधान रहें, गरम कपड़े लेकर ही चढ़ें जब वंदना करने इस तीर्थ यात्रा पर आएं। ऊपर कुछ नहीं खाएंगे यह कसम खा के जाएंगे, जरूर ध्यान रहे। हमें कुछ नहीं खरीदारी बिजनेस नहीं करना, टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाना, शिखर जी को हम सबको है मिलकर बचाना। शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके साथ। सादर जय जिनेन्द्र।